दरभंगा में कोरोना से पहले ढाई माह के मासूम बच्चे की हुई मौत, साथ ही 24 घंटे के अंदर तीन और सगे भाई बहनों ने तोड़ा दम। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में रविवार की शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों को यह जानकारी लगी कि शिशु रोग विभाग में कोरोना से पहले मौत ढाई माह के बच्चे की हुई है। मौत की खबर सुनने के बाद पूरा अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और बच्चे की डेड बॉडी को कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से परिजनों को सौंपते हुए एम्बुलेंस से मधुबनी भेज दिया गया। नवजात कोरोना मरीज के संबंध में बताया जा रहा है कि कोरोना से मृत बच्चे को उसके परिजन के द्वारा रविवार की सुबह 6 बजे भर्ती करवाया गया था। इससे पहले उसका इलाज पटना के एक निजी प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा था, जहां बच्चे का जांच करवाया गया तो कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया और वहां से उसे डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसके बाद बच्चों के परिजनों ने उसे डीएमसीएच के शिशु रोग विभाग में भर्ती कराया। वहां डॉक्टर ने बच्चे की हालत को नाजुक देखते हुए शिशु विभाग के आईसीयू के वेंटिलेटर पर रखकर बचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन इलाज के क्रम में रविवार के ही शाम 4:30 बजे उसकी मौत हो गई। वह इस उम्र के बच्चे की कोरोना से मौत का बहुत ही दुर्लभ मामला है। इसके अलावा शिशु वार्ड में मधुबनी जिले के इटहरवा गांव निवासी रामपूर्णति यादव के 3 बच्चे चंदन, पूजा और आरती की मौत भी पिछले 24 घंटे में हो गई। वहीं रामपुनीत यादव तीनों बच्चों को 28 माह की शाम शिशु वार्ड में भर्ती कराया था। वहीं 29 मई की देर शाम चंदन और पूजा की मौत हो गई तथा 30 मई को आरती की भी मौत हो गई। इन सभी को निमोनिया जैसे लक्षण थे, सभी बुखार, सांस फूलने वे, देह हाथ में सूजन से परेशान थे। इस मामले में डीएमसीएच प्रशासन ने कहा है कि 1.5 माह की बच्ची की मौत कोरोना से हुई है, जिसे कोविड प्रोटोकॉल के तहत परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं 3 बच्चों की मौत निमोनिया रोग से ग्रसित होने के कारण हुई है। इन लोगों को कोरोना जांच कराई गई थी, जिसमें रिपोर्ट निगेटिव पाया गया था। सभी बच्चे में खून की कमी थी और निमोनिया से पीड़ित थे। 29 को 2 और 30 को 2, इसमें एक परिवार के 3 बच्चे थे, इतनी क्रिटिकल स्टेज में आए थे वो, उनको देह खून की बहुत कमी थी, पूरा देह फूला हुआ था, जेनराइजना सारका जिसको कहते हैं, सेप्टिसीमिया में था, निमोनिया था उसको, और जांच के दरमियान शुरू से वो रैपिड एंटीजन निगेटिव रहा। एक पेशेंट तो RT-PCR निगेटिव का रिपोर्ट लेके आया था, और तब कैसे कह रहे हैं जो हम कभी कहा जाता था नहीं, तीनों रैपिड एंटीजन से तीनों निगेटिव थे। एक उनका लड़का था जो RT-PCR से भी निगेटिव था। बच्ची का जिस क्षण नहीं आ रहा है RT-PCR, लगभग हमारा विश्वास है जो जितना घट रहा है केस, उसको भी निगेटिव आना चाहिए। अभी वो तीनों निगेटिव है। चौथे का सवाल है कि चौथा बच्चा 2.5 साल का है, जो कि 1 साल पहले उसको मेनिंजाइटिस हुआ था, उसके ब्रेन में पानी है, पोस्ट मेनिंजाइटिस हाइड्रोकेफेलस जिसको कहते हैं, उसको VP संट लगा हुआ है, ब्रेन का पानी पेरिटोनियम में डाल के तब उसको ये किया जाता है। वो RG मेमोरियल में 4 रोज पहले दिखाने आया था। इलाज के क्रम में RG मेमोरियल के डॉक्टर को लगा कि सीरियस है, तो उसको ब्रेन के दिखाने के लिए न्यूरो सर्जन के लिए उसको उदयन अस्पताल पटना भेजा गया। वहाँ ट्रीटमेंट के दौरान आजकल जो होता है टेस्ट कराया गया, वहाँ पॉजिटिव होगा RT-PCR, तो उसको वहीं रख लेना चाहिए था अपने अस्पताल में, चाहे एम्स चाहे IGI में आ जाए। तो उसको दरभंगा फिर बैक कर दिया, रास्ते में और डिटोरिएट किया होगा। यहाँ 6 बजे सुबह में आया है, 6 बजे से 4 बजे तक सब लोग लगे रह गए ICU में भर्ती करके उसको बच्चा वार्ड में, लेकिन उसकी मौत हो गई। बीमारी इतना गंभीर था, चारों केस में गंभीर पेशेंट थे।